रेलवे ट्रैक पर तहरीब कानी की साजिश नाकाम। ठट्ठा के करीब जंग शाही रेलवे स्टेशन से बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक क्लियर। ट्रैक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में हादसे में जान बहक। असिस्टेंट ड्राइवर राशिद की घर आमद। अहले खाना से तासीयत की। कहते हैं मजदूर ही पाकिस्तान रेलवे की असल ताकत है। कोशिश है कि बजट में रेलवे के मजदूरों को तरक्की दी जाए। शेखुपुरा में थाना गुलबर्ग लाहौर की पुलिस वैन उलट गई। तीन पुलिस एहलकार जान बहक। एक जेर हिरासत मुलजिम और चार एहलकार शदीद जख्मी। तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस एहलकार मुलजिम को लैया से गिरफ्तार करके लाहौर ले जा रहे थे। हजारगंजी खुदकुश हमले के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर हारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जमहूरियत को खतरा नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। 2023 में तहरीक इंसाफ जीतेगी। तब्दीली का सफर शुरू है। लुटेरों को जेल जाना होगा या रकम वापस करना पड़ेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर गुजरावाला साहिवाल और ग्वादर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी। पशीद में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। चार अफराद जान बहक। नायब लाहौर ने तकरीबन पूरे शरीफ खानदान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। असासा जात केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल, साहबजादी राबिया शरीफ को 18 और जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को तलब कर लिया। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। सब्जियों फलों समेत अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। इस्लामाबाद में वफाक जुडिशल अकेडमी में फौरी फरहाम इंसाफ के हवाले से कॉन्फ्रेंस। चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान सरदार खान न्याजी की खसूसियत से मुतल्लिक गुफ्तगू। साय न्याजी साहब मुल्क के आईने पाकिस्तान की तेज वाडी खिदमात। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदगी में एस के न्याजी की खिदमात का एतराफ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरदार खान न्याजी से मीठी जुबान सराइकी में गुफ्तगु। और आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनमाई आज कराची में होगी। लाहौर में ट्रॉफी की रोनमाई शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैमिलीज और बच्चों के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां।